भूगोल एक विषय के रूप में, इस इकाई के विवरण भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, स्थानिक गुण विज्ञान के रूप में, भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल की विशेषता, भूगोल एक विषय के रूप में। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल की अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतःप्रक्रियात्मक संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिमी समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यानतव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तन को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझाने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाला कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक विज्ञान, वैज्ञानिक तकनीकी यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टिलोजी के रूप में प्राप्त ज्ञान की एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जाति अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज के अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का आवरण है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द
भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटास्थेनिज एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मीन्स पृथ्वी एवं ग्राफो मीन्स उड़न से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसीलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों में विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से का निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचीधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। तो भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। उदाहरणतः फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता होती है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी इन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोल वेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य एस्थेटिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदमी, मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है तथा अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्राकृतिक तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंत प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्राकृतिक का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्राकृतिक पर अपनी छाप छोड़ता है। प्राकृतिक मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्राकृतिक के साथ समझौता अनुकूल एडॉप्टेशंस अथवा अपरिवर्तनीय मॉडिफिकेशंस के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समाज आदमी समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में
के क्षेत्र में परिवर्तन कर लिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एवं मानव के अनन्य क्रियाओं को एक कवि द्वारा संक्षिप्त में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया है, मैंने कप का निर्माण किया है, आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया, अपने बंजर भूमि पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थल का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारियाँ तथा बाग बगीचे बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपनी सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हम मानवीकृत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। भूगोल इसी अंत प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्र समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल तीन वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति रूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी के भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहां प्रश्न से संबद्ध होते हैं। सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन सा तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपगम बहुत प्रचलित रहा। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुटने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। तीसरी या तृतीय प्रश्न व्याख्यात्मक तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड़ क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचना करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन कराता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंत प्रक्रिया से उपजी तथ्यों के बीच सहचार्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। भूगोल एक समाकलन इंटीग्रेटिंग विषय के रूप में भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालकीय संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपाग गम्य की प्राकृतिक समग्रात्मक हेलोस्टिक होती है। इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई। श्रव दृश्य माध्यम ऑडियो विजुअलाइज मीडिया तथा सूचना तकनीकी के
तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रचाल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में अंतःपृष्ठीय इंटरफेरेंस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यथार्थ को ज्ञात करना, भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के सौचार्य को बोधगम्य बनाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का एक अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोल वेताओं को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाइयों के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्धों में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचना करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्वान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रवर्जकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। समुद्री किनारों दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोप देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। बहुत भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएँ, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण स्थान ब स्थान से 1500 किमी दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए यह 17 घंटा दूर है। यदि तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए, इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलक भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र संख्या 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध आप प्रचुर रूप से चित्रित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है, भूगोल के भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, जैसे कि रेखाचित्र में दर्शाया गया है, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है। प्रगत भौतिक भूगोल भौमिक मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा से संबंधित है। इसी प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान,
मृदा भूगोल की प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैसे जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिकी निकेतक नीचे में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेष मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थिति के अध्ययन से सभी से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू आभ जियोआइड है, परंतु भूगोलवेत्ताओं का मूल उपकरण मानचित्र है, जो द्वि आयामी प्रदर्शन होता है। भू आभ को द्वितीय आयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्रित या गणितीय रीति से नियमित परीक्षण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीकी में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका, स्केच, मानस, मेंटल मानचित्र एवं मानचित्र कला, कार्टियोग्राफी वर्क हेतु कला में निपुणता आवश्यक है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान रेखाचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतःपृष्ठीय इंटरफेरेंस संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, जो उस विषय के लिए मूल आधार है। राइजन डी इटायर होता है, किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जनकीय सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानीय स्पेशियल विशेषताएं मिलती हैं। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय एवं उपभोग का विवेचना करता है। इन विशेषताओं ये भूगोल के क्षेत्र, पहला भूगोल के क्षेत्र है गणित एवं खगोलीय, गणित एवं खगोलीय भूगोल में आता है। भू विज्ञान जो भू आकृति विज्ञान, मौसमी विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल, प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरणीय विज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र, भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, जनसंख्या भूगोल, जनांकीय, आर्थिक भूगोल, जनशास्त्र, आर्थिक सांख्यिकी, भूगोल में पर्यावरणात्मक प्राविधि, ये भूगोल के क्षेत्र रहे। कुल भूगोल का इसका अन्य विषय से संबंध इस तरह है, सारे के सारे विषयों से संबंध भूगोल का है। में से प्रत्येक स्थानीय स्पेशियल पक्ष होता है, ये तो जहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग का के स्थानीय पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकीय से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा है। यह अध्ययन के विधि, तंत्र एवं उत्पादनों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है। इसका अन्य विषयों से परासरणीय ऑस्मेटिक संबंध होता है, जबकि अन्य विषय
सभी अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। भूगोल विशिष्टपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसे कि शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली मेम्ब्रेन द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता। भूगोलवेत्ताओं सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूपों को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़े दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। भूगोल की शाखाएं पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्टता प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण इंटर डिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, पहला विषय वस्तुगत क्रमबद्ध एवं दूसरा प्रादेशिक विषय वस्तुगत। भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट 1769 से 1859 द्वारा परिवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल लिट्टर ने 1779 से 1859 द्वारा किया गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विश्व रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचना तथा समाकीकरण करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व की विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्राकृतिक का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल भू आकृति विज्ञान व भू आकृतियों उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व हैं, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान यह धरातल की जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उसका मानव रहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर भूगोल की शाखाएं भूगोल पहला भौतिक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र विधि एवं तकनीकी और मानव सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र में भौगोलिक चिंतन मानव पारिस्थितिकी भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया विधि एवं तकनीकी वाले मानचित्र मात्रात्मक तकनीकी क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और भू संरचना में GIS GPS और LIS हैं।
अंतःपृष्ठीय जीव भूगोल भौतिक वाले में फिर से भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, यहाँ पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या एवं बस्ती, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, पीछे ग्रामीण और नगरीय, कृषि, औद्योगिक, पर्यटक, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना, सेवाएं। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर हैं। चौथा, मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादन स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय प्रादेशिक गत्यात्मक डायनामिक एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। जनसंख्या एवं आदिवासी भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात तथा प्रवास एवं व्यवसाय संरचना आदि का अध्ययन कराता है। जबकि आदिवासी भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय आदिवासियों के वितरण प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटक, व्यापार एवं परिवहन, अस्थापना तत्वों एवं सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र की राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैनसिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतःपृष्ठ इंटरफेरेंस के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल, इसमें पशु एवं उनके निवास क्षेत्रों के स्थानीय स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन कराता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसमें प्रजातियों, स्पेसीज के निवास स्थिति क्षेत्र का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया जा गया है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। प्रादेशिक उपगम पर आधारित भूगोल की शाखाएं बृहत, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक / क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना / विश्लेषण, ऐसे दो पक्ष हैं जो विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हैं। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन / क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजनाएं, देश / ग्रामीण योजनाएं, शहरी योजनाएं, स्थली प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर बांटी गई हैं। दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतःप्रक्रिया, मानव परिस्थिति की विविध तंत्र एवं तकनीकी, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी से क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, भू संरचना, भू सूचना विज्ञान तकनीकी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, वैश्विक स्थिति तंत्र GPS, उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से एस्थेटिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई
सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणतः जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्र तकनीकी थी, अब वह संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई। तकनीकी ने विद्वानों को वृद्ध मात्रा में आंकड़े के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इसी प्रकार विश्लेषण क्षमताओं में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने मानव ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग एक में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करते भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची के विषय क्षेत्रों के प्रतिबिंबित करती है। यह भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्तिसंगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, चौआ मंडली, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध, तत्व मंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा वृद्ध जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रश्न, इकोलॉजिकल पैरामीटर एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रियाओं में काला विधि पर निर्भर करती हैं। काला विधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती हैं तथा मृदा पार्श्विक प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृति आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदान का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चारागाहों, वन, पर्यटक स्थलों के आधार पर तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्रों में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलन, एयर कंडीशन, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली की गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक स्तर एक्वाफायर को पुनर्वेशित, रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न हैं। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नेड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली है। मृदा एक नवीनीकरण पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से। भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हार्टशॉर्न भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर ने बताया, प्रेरित होती है मृदा पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यवान एवं प्रबंधन से संबंधित है, विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक एवं समाज सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। ये तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक
वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है।